फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल पर। आज हम ओट्स का उपमा बनाने जा रहे हैं, हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीजें उसमें लेनी है मैंने, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने एक कटोरी ओट्स लिए हैं, कोई भी ओट्स आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आधी कटोरी मैंने सूजी ली है, आधी कटोरी मैंने मटर लिए हैं और दो बड़े चम्मच मैंने कॉर्न लिए हैं, स्वीट कॉर्न। आप चाहें तो इसमें गाजर भी ले सकते हैं। एक चम्मच मैंने चने की दाल ली है, साथ में आप उड़द की दाल भी ले सकते हैं। आधा कटोरी मैंने मूंगफली ली है कच्ची, और मैंने यहाँ टमाटर लिए हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं इसलिए मैंने लिए हैं। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप डालें, आप गाजर भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के। और ये मैंने कड़ी पत्ता लिया है, नींबू लिया है, धनिया काट के लिए और हरी मिर्च काट के लिए, और छौंक के लिए मेरा सरसों के बीज। तो यही सब चीजें डलेंगी, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम ओट्स डाल देंगे और इसको बिना कुछ डाले ऐसे ही हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इससे इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो जाता है, हम चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, पर ऐसे डालने से इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। ये देखिए थोड़ी खुशबू आने लगी, इसका मतलब हमारे ओट्स जो है भून चुके हैं। ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हम गैस को बंद करते हैं, हमने गैस को बंद कर दिया। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। ये देखिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया, आप पैन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम लोग सरसों के बीज डाल देंगे। ज्यादा तेज आंच पे मत बनाएंगे, मीडियम आंच पे बनाएंगे। ये देखिए इसी के साथ हम चने की दाल डाल रहे हैं, साथ में आप उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। ये होने लगा थोड़ा सा, अब तो मूंगफली डाल देते हैं, मूंगफली कच्ची है इसलिए हमें पहले ही डालनी है। अगर आप भुनी हुई मूंगफली ले रहे हैं तो इसको बाद में भी डाल सकते हैं। ये सब इकट्ठा ही भूनने होगा, इसको हिलाकर सारा अच्छे से भून लें। ये देखिए हमारी मूंगफली हो चुकी है, अब हम सारी सब्जियां डालेंगे इसमें।
इसमें हम हरी मिर्च कटी हुई और कड़ी पत्ता ये भी डाल देंगे। हम सिम पे इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जिससे कि सब्जी अच्छे से बन जाए। दो मिनट हो चुके हैं, देखो सब्जी हमारी थोड़ी हो चुकी है, थोड़ी सी देर हम और रखते हैं। दो मिनट और रखने देंगे, ये देखिए सब्जी हमारी हो गई है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे, इससे सूजी भी इसमें थोड़ी भून जाए। इसको दो मिनट और भूनेंगे इसी तरीके से। दो मिनट के लिए इसको इसी तरह से भूनते रहेंगे जिससे सूजी और सब्जियां अच्छे से हो जाए। ये देखिए सूजी भी अच्छे से भून चुकी है और सब्जियां भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पर दो कटोरी पानी डाल रही हूँ। और इसको सिम पे ही रखेंगे हम। अब हम इसमें नमक, मैं आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और थोड़ी सी मिर्च, वो भी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अभी ओट्स डालेंगे जो हमने भुने थे, ओट्स डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ओट्स काफी हद तक पानी पी जाता है तो इसलिए ये एकदम पानी खत्म हो जाएगा इसका। अब हमारा ये काफी हद तक ड्राई हो गया, पानी निकल गया। अब हम इसमें नींबू डाल देंगे, मैं आधा नींबू डाल रही हूँ, आप चाहे तो एक नींबू भी डाल सकते हैं। इसमें हम गैस सिम पे ही रखनी है, ज्यादा तेज नहीं करनी क्योंकि एकदम पानी सूख जाएगा नहीं तो। ये देखिए हमारा उपमा बनके रेडी है। अब हम इसको और ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी देर रखने से भी बाद में भी ड्राई हो जाता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने काटा था वो डाल देंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमारा हेल्दी भी और टेस्टी भी उपमा बनके रेडी है। हम लोगों ने ओट्स उपमा बनाया है तो इस तरीके से आप भी बनाइए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए हमारा उपमा बनके रेडी है।
इसी तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।